इस दिवाली रोहित शेट्टी अपनी कॉफ यूनिवर्स के जरिए बॉक्स ऑफिस के नए रिकॉर्ड कायम करने वाले हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। बिकॉज एक तो लंबी चौड़ी सितारों की तगड़ी फौज है, दूसरी इस मूवी की जो एपिक रामायण थीम है वो पब्लिक को दिवाली पर ब्लॉकबस्टर देने के लिए पूरी तरीके से तैयार बैठी है। हालांकि रोहित शेट्टी अपनी ब्लॉकबस्टर मूवी को एक्स्ट्रा पुश देने के लिए सलमान खान के चुलबुल पांडे वाले किरदार को भी अपनी कॉफ यूनिवर्स में एंट्री करने की पूरी तैयारी कर चुके हैं, लेकिन अब इस खबर में थोड़े बहुत डाउट उठने स्टार्ट हो गए हैं। कहा जा रहा सलमान खान का सिक्योरिटी कंसर्न इस मूवी में अपने सीन को शूट करने की परमिशन नहीं देता। रोहित शेट्टी का प्लान था कि मुंबई में एक सेट बनाकर चुलबुल पांडे की एंट्री को अपने सिंघम के साथ जोड़ देंगे, लेकिन सलमान खान इस वक्त बहुत ज्यादा सितारों के गर्दिश में फंसे हुए हैं। लॉरेंस बिश्नोई की जो पूरी तरीके से गुंडागर्दी है उससे सलमान खान को अपनी सिक्योरिटी बढ़ानी पड़ी और अपने परिवार की सेफ्टी के मद्देनजर बहुत लिमिटेड टाइम में शूट कर रहे हैं। बिग बॉस को इनसाइड में शूट करने के बाद वो किसी पब्लिक प्लेस पर शूट करने से बच रहे हैं, बिकॉज उनके पीछे गैंगस्टर काफी हद तक पड़ चुके हैं। बाबर सिद्दीकी हत्याकांड के बाद तो सलमान खान कुछ एक्स्ट्रा कॉन्शियस हो गए हैं, जो कि वाजिब भी है। हालांकि सलमान खान का चुलबुल पांडे अगर सिंघम अगेन में आता है तो कई सारी मजाक वाली मीम्स तो आपने देख ली होंगी, बहुत सारे क्रॉस कनेक्शन गलत साबित होंगे, क्योंकि सिंघम के पार्ट में बहुत सारे रोल ऐसे हैं जिस पार्ट में आने के बाद डिफरेंट डिफरेंट रोल प्ले करके मर चुके हैं या फिर डिफरेंट क्रॉस ओवर में फंस चुके हैं। इसके अलावा दबंग फ्रेंचाइजी में करीना कपूर फेविकॉल वाला आइटम सॉन्ग कर चुकी हैं, जबकि सिंघम अगेन में सीता माँ का रोल कर रही हैं। ऐसे में ये आइटम नंबर और सीता के अवतार का क्रॉस कनेक्शन हो जाएगा अगर चुलबुल पांडे इस मूवी में एंट्री करते हैं। बहरहाल ये तो थी मीम्स बाजी की बात, बाकी बहुत सारे किरदार ऐसे हैं जो तीनों फिल्मों में डिफरेंट डिफरेंट किरदार कर चुके हैं, इसलिए यूनिवर्स में कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता। लेकिन सलमान खान का जो सिक्योरिटी कंसर्न है वो बहुत जरूरी है, बिकॉज रोहित शेट्टी की फिल्मों की जो शूटिंग है बहुत पब्लिकली होती है और हर कोई शूटिंग की फोटो तस्वीरें वीडियो बना लेता है। अभी हमने कश्मीर में भी कुछ वीडियो देखे थे जहां पर जैकी श्रॉफ अजय देवगन के बीच में क्लाइमेक्स शूट हो रहा था। ऐसे में सलमान खान इतनी सारी थ्रेट के बावजूद अगर अपनी मूवी की शूटिंग स्टार्ट करते हैं रोहित शेट्टी के साथ तब उनकी जान को खतरा हो सकता है। इसलिए जो उनके पब्लिक पीआर के लोग हैं उनका कहना है कि सलमान खान चाहते हैं आप शूटिंग न करें और अपने परिवार की सिक्योरिटी के लिए लीगल सपोर्ट मांगने में एक्टिव रोल प्ले करें। इसलिए हो सकता है सलमान खान रोहित शेट्टी की मूवी से बाहर हो जाएं या फिर बाद में कोई इनसाइड स्टूडियो शूट करके मूवी में अपने कैमियो की छाप छोड़ दें। अब जो भी होगा सब कुछ डाउट में है, दिवाली के दिन ही मालूम पड़ेगा सलमान खान इस मूवी के साथ जुड़ते हैं या फिर दबंग और सिंघम का मेल अभी अधूरा ही रह जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद है आपको हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। अगर हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, साथ ही वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा।